केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ लोकसभा चुनाव की बन रही हवा। पिछली दो बार नरेंद्र मोदी के नाम पर दो बार गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से भारी मतों से जीताकर भेजा गया, लेकिन इस बार मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आवाज उठी है, वही विश्नोई समाज पहले से नाराज है। पिछली बार आरएलपी का गठबंधन होने से जाट समाज की अधिकतम वोट गजेंद्र सिंह शेखावत को मिले, इस बार हनुमान बेनीवाल भी गठबंधन में शामिल नहीं है। बिश्नोई समाज कई बार शेखावत के खिलाफ रैलियां निकाल चुका है। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने खुले मंच से केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। क्या इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत को भाजपा टिकट देगी? अगर टिकट दिया तो क्या जीत पाएंगे? ये बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कई नेताओं का कहना है कि इस बार भाजपा में परिवर्तन होना चाहिए, नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ जिस तरीके से आवाज उठी है, टिकट भी भाजपा देगी या नहीं देगी, इस पर भी संशय बन गया है। स्थानीय सर्वे के अनुसार भाजपा अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को उम्मीदवार बनाती है तो यह सीट हार सकती है।